A very, very happy Janmashtami to each and every one of you. Back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and you have read by the title what today's video is going to be about. So Janmashtami is approaching day after tomorrow, and on the occasion of Janmashtami, I decided to do a makeup look inspired by Radha Krishna. It is also known as Ardhanareshwar. So for those who don't know, Ardhanareshwar is basically synthesis of masculine and feminine energies of the universe. It also depicts that Shakti and Shiv, that are the male and the female principles of God, cannot be separated from each other, and the concept itself is so beautiful. So let us create this beautiful makeup look. And if you are new to this channel, hi, my name is Sonu Mishra. I post beauty and lifestyle content here on my channel. So if you have not subscribed to my channel yet, please click the red button down below and don't forget to hit the notification bell right next to it so that you get notified every time I upload a video. So now, without any further blabbering, let's get started with the makeup. It will be a voiceover. Okay, so sabse pehle main start kar rahi hu by applying primer all over my face. So aaj maine use kiya hai elf ka putty primer. And this is the first time I've used this primer, and it is really hydrating as well as pore filling. तो मैं सबसे पहले ये प्राइमर अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, और अब मैं इसे थोड़ा सा प्रेस इन करूंगी जहाँ पे मेरे पोर्स हैं, ताकि मेरे सारे पोर्स अच्छे से फिल हो जाएं एंड आई गेट अ स्मूथ कैनवस टू वर्क ऑन. पहले मैं स्टार्ट करूंगी राधा वाली साइड से. तो मैं सबसे पहले फाउंडेशन ले रही हूँ, एंड नाउ आई विल अप्लाई दिस फाउंडेशन टू द हाफ ऑफ माई फेस. सबसे पहले मैं एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि इट गिव्स मी अ गाइड और मैं मिस ना करूँ कोई भी स्पॉट या दूसरे साइड पे ना लगाऊँ. तो आई हैव ड्रॉन दिस लाइन. नाउ आई विल डैब द फाउंडेशन यूजिंग द ब्रश ऑन द हाफ ऑफ माय फेस, कवरिंग माय नेक एज वेल, ताकि डिफरेंस ना लगे बिटवीन माय फेस एंड माय नेक. अब मैं एक ब्लेंडर की मदद से ये सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी. आई हैव टेकन अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल इन डैबिंग मोशंस. ओके, तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अब मैं अपने अंडर आई को कंसील करूँगी. सो आई एम यूजिंग द एल्फ कंसीलर टुडे. अब मैं एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से टैपिंग मोशंस में कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, और थोड़ा सा यही कंसीलर अपने आईलिड्स पे भी लगा लूँगी टू गिव माय आईलिड्स अ बेस फॉर द आई शेडो. तो ब्रश से ब्लेंडिंग करने के बाद मैं ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को पैट कर लूँगी, ताकि इट इज़ ऑल ब्लेंडेड टुगेदर विद द फाउंडेशन. और अब मैं वही सेम कंसीलर यूज़ करूँगी टू कंसील सम स्पॉट्स दैट आई हैव, और अपनी कॉन्ट्रोल लाइन के नीचे भी हाईलाइट करूँगी टू एनहांस माई कॉन्ट्रोल. और अब मैं वही सेम कंसीलर ब्रश की हेल्प से ये सारा कंसीलर ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं फिर से अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करूँगी, ताकि एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड इन टुगेदर. अब मैं अपने पूरे फेस को, स्पेशली माय अंडर आईज, आई विल सेट इट यूजिंग मार्स लूज पाउडर. मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मैं डैब कर रही हूँ पाउडर को मेरे फेस पे, ताकि मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए. पाउडर पफ से पाउडर डैब करने के बाद मैं अपने फेस पे एक बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से सारे पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, ताकि कुछ एक्स्ट्रा है तो रिमूव हो जाए. अब मैं अपना फेस कॉन्टोर करूंगी. ज्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी. आई विल डू अ सटल कॉन्टोरिंग ऑन माई चीक बोन्स, माई जॉ लाइन एंड अ लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड एरिया. ओके, अब कॉन्टोरिंग हो गई है. तो अब मैं अपने ब्रश पे ब्लश लूँगी, और आई विल अप्लाई इट टू द एप्पल्स ऑफ माई चीक एंड टेकिंग इट अ बिट अपवर्ड्स, ताकि एक लिफ्टेड इफेक्ट भी मिले. और अब मैं अपने पूरे फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी. नाउ आई विल लेट इट ड्राई, एंड वाइल इट इज़ ड्राइंग मैं अपनी आईब्राउज कर लूँगी. टेकिंग अ स्पूली मैं अपने आईब्राउज हेयर को टेम करूँगी, एंड देन आई विल यूज़ आई शेडो पाउडर टू फिल इन माई आईब्राउज. बहुत ज़्यादा बोशी नहीं करूँगी. आई विल कीप दम थिन,
ताकि राधा और कृष्णा वाली साइड पे देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द आईब्राउज. ओके, तो आईब्राउज हो गई हैं एंड इट लुक्स गुड. अब मैं अपना आई शेडो करूँगी. बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ नहीं करने वाली हूँ. पूरी लिड पे मैं एक ब्रश की हेल्प से पीच पिंक काइंड ऑफ अ शेड मैं पूरी लिड पे लगा दूंगी. आई विल कीप द आई लुक वेरी सिंपल टुडे. अब मैंने एक स्मॉल ब्रश पे सेटिंग स्प्रे डाल के एक शिमर शेड उठाया है एंड अब मैं उसको अपनी लिड पे लगा रही हूँ. पूरी लिड पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हाफ तक ही लगाऊंगी. वाओ, ये शिमर बहुत सुंदर लग रहा है. तो अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश पे वही सेम पिंक शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर्स और क्रीज को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे. ओके, तो अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी. आईलाइनर के लिए मैंने आज एक लिक्विड लाइनर लिया है और मैं एक छोटा सा विंग लाइनर लगाऊंगी. ज़्यादा थिक नहीं रखूंगी. आई विल कीप इट वेरी थिन बट आई विल विंग इट आउट. आई होप मेरा विंग अच्छे से बन जाए. ओके, आई थिंक द विंग इज गोइंग प्रिटी गुड एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी. तो अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे एक थिन लाइन ड्रॉ करूंगी. ओके, तो अब आई लाइनर भी लग गया है. तो अब मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से वही सेम जो लिड पे कलर लगाया था उसको अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच कर लूँगी एंड हैंस दिस विल कंप्लीट माय आई लुक. अब मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे काजल लगाऊंगी. मुझे थोड़ा सा ब्लश कम लगा था अपने चीक्स पे तो आई एम जस्ट इंटेंसिफाइंग माय ब्लश एंड येस नाउ इट लुक्स प्रिटी. अब मैं एक गोल्डन हाईलाइटर की हेल्प से अपना फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी. चीक बोन्स, a little on my forehead, highlighting my brow bone, my cupid's bow and my nose. Okay, I forgot to contour my nose first, so I will just go in with the contour first and the highlight afterwards. Okay, so now that the contouring is done, I will highlight my nose. Now the final step for the Radha side of the makeup is the lipstick. So I will overline my lips a little bit ताकि मेरे कृष्णा साइड से राधा साइड के लिप्स डिफरेंट लगे. एंड ऑल्सो मैं राधा साइड के मेकअप के लिए रेड लिप्स यूज़ कर रही हूँ, आई मीन रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. अब एंड में मैं अपनी आई लैशेज प्लेस करूँगी. आई एम यूजिंग फेक लैशेज फॉर दिस साइड ऑफ माई मेकअप. आई लैशेज अच्छे से प्लेस होने के बाद आई विल गो इन विद द मस्कारा ऑन माई अपर लैशेज and a little bit of lengthening mascara on my lower lashes. With this, the Radha side of the makeup is complete. Let me give some shots. And now I will begin with the Krishna side of the makeup. So firstly, I'm taking foundation and I am mixing it up with some blue lipstick. And let's see what the color makes up. I did not like that color. So now I am going in with this blue eyeshadow with my foundation. So I will scrape my eyeshadow with the spoolie. This is the worst part. I'll do the scraping and mixing behind the camera. एक छोटे brush के help से मैं वो blue lipstick अपने face पे apply कर लूँगी. And this color looks very perfect for what I want. But lipstick पूरे face पे अच्छे से blend नहीं हो पाएगी. तो इसके साथ मुझे foundation mix करना होगा. तो foundation में मैंने blue eye color mix किया है. But I'm not liking this shade. ये blue से ज़्यादा green लग रही है. But I will have to fix it somehow. Let's see how I do that. तो सबसे पहले मैं फिर से एक partition बना लूँगी ताकि मैं अपना दूसरे साइड का मेकअप रूइन ना कर दूँ. ओके, अब मैं एक ब्लेंडर से ये सब पूरा ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. ओके, ये ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है. तो मैंने अपने फाउंडेशन में डार्कर ब्लू कलर मिक्स किया है to make this a little more blue rather than green. तो अब मैं foundation brush पे वो color लेके okay this color looks good now. तो अब मैं foundation brush की ही help से अपने पूरे face पे इस foundation को tapping motions में लगा लूँगी. क्योंकि blender से जब मैं blend कर रही हूँ तो blender is soaking up that color और face पे उतना ज़्यादा intensity में color नहीं आ रहा है. तो आई विल नॉट गो इन विद द ब्लेंडर, रादर मैं इसी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से ये ब्लू कलर फाउंडेशन लगा लूँगी. कीपिंग इन माइंड द स्मॉल डिटेल्स, मैं अपने ईयर, नेक और आईब्राउज के नीचे जो स्किन है वो नहीं भूलूँगी वरना इट विल लुक डिफरेंट. तो मैं अपना अच्छे से सारे पार्ट्स को ब्लू कलर कर लूँगी ताकि इट लुक्स ऑल इवन. ओके, सो नाउ दैट द फाउंडेशन इज़ डन मैं आईब्राउज करूँगी.
तो मैं ये ब्लू कलर वापस लगा लेती हूँ बिकॉज़ देर वॉज सम स्किन पीकिंग थ्रू। और अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्राउज को टेम करूँगी एंड नाउ आई विल ओवर ड्रॉ माई आईब्राउज अ लिटिल बिट यूजिंग दिस पाउडर। बट आई थिंक दिस पाउडर इज टेकिंग दैट ब्लू कलर ऑफ एंड इट इज़ नॉट शोइंग अप एज मच ऑन माई आईब्राउज। पाउडर उतना ज़्यादा नहीं विजिबल हो रहा था तो अब मैं अपनी आईब्राउ पेंसिल से ही इसको फिल इन करूँगी एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स गुड। ओके, आईब्राउज हो गई हैं। अब मैं अपने फेस को हल्का सा ब्लू आई शेडो से सेट कर लूँगी ताकि थोड़ा सा मैट लुक लगे। बस हल्का हल्का डैप कर रही हूँ अराउंड माई चीक माई फोरहेड। अब मैं एक डार्क ब्लू शेड से कॉन्ट्रोल करूँगी। कॉन्ट्रोल को ज़्यादा हार्डली ब्लेंड करने से मेरा फाउंडेशन रब हो रहा था तो मैं बहुत ही लाइट हैंडेडली अपना कॉन्ट्रोल ब्लेंड करूँगी अपने चीक बोन्स पे, अपनी जॉ लाइन पे और थोड़ा बहुत अपने फोरहेड पे। तो मेरा कान्हा साइड का कॉन्ट्रोल हो गया है। अब मैं एक शिमर ब्लू कलर लेके अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। वाओ, दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। अब मैं आई शेडो के लिए एक लाइटर ब्लू शेड से पूरी लिड पे लगा लूँ। अब मैं एक डार्क ब्लू शेड लेके ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज पे लगाऊंगी और यही सेम कलर मैं अपनी पूरी लिड पे भी लगाऊंगी। एक विंग शेप में इसको बाहर करूंगी, कोई शिमर नहीं लगाऊंगी। आई विल कीप इट कम्प्लीटली मैट और मैं आईलाइनर भी नहीं लगाऊंगी इस साइड पे। सो या आई विल डू दैट। आई थिंक दिस लुक्स फाइन। अब मैं वही सेम कलर अपनी लोअर लैश लाइन पे भी स्मच कर लूँगी और अब इस साइड के आई मेकअप के लिए मैं एक वाइट कोल पेंसिल को अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ ताकि द आईज़ लुक मोर ओपन्ड। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ टू माई लोअर लैश लाइन। अब फाइनल स्टेप इस साइड के मेकअप के लिए विल बी लिपस्टिक। तो मैं ओवरलाइन नहीं करूँगी, कीपिंग इट विद इन द आउटलाइन ऑफ माई ओन लिप्स और मैं एक लाइट पिंक शेड लगा रही हूँ एंड आई थिंक दिस शेड इज़ गोइंग प्रिटी वेल विद द ब्लू कलर एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स इट रियली वेल। तो अब मैं ये कलर लगा लूँगी अपने हाफ साइड पे एंड द लिप्स आर डन। अब एक हल्का सा डायमेंशन देने के लिए मैं इस साइड पे थोड़ा सा ब्लश डैप कर लूँगी। अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है तो मैं एक सेटिंग स्प्रे की हेल्प से अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी एंड आई विल लेट इट ड्राई। तो अब मैं फटाफट से अपना हेयर एंड एक्सेसरीज ऐड करूँगी एंड आई विल बी राइट बैक। एंड दिस इज़ माय एंटायर लुक। तो अब मैं थोड़ा सा और एक्सेसराइज करने के लिए अपने आईब्राउज के ऊपर ये छोटे छोटे वाइट बीड्स लगा रही हूँ टू गिव इट अ मोर good effect I guess and yes it actually is adding up a little bit. I also wanted to wear a small nut but मेरे पास छोटी नत नहीं थी और जो मेरे पे थी वो इस लुक के साथ जा नहीं रही थी। तो anyways अब मैं ये माथे पे रेड कलर का तिलक लगा रही हूँ एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग द रेड लिपस्टिक एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड एट दिस पार्ट क्योंकि पूरा मेकअप करने के बाद दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग एंड वुड हैव रूइंड द लुक बट आई कॉन्सेंट्रेटेड अ लॉट एंड इट वेंट वेल। तो ये मैंने कान्हा जी के साइड का तिलक लगा लिया है। अब मैं इस तिलक के नीचे एक वाइट बीड ऐड कर रही हूँ। अब मैं राधा साइड के लिए एक बिंदी ड्रॉ कर रही हूँ एंड दिस वॉज रियली अ वेरी वेरी टफ जॉब टू ड्रॉ अ परफेक्ट राउंड सर्कल। Enjoy your Janmashtami. A very happy Janmashtami to everyone who is watching this video. I hope आपको ये look पसंद आया हो. Please मुझे comment करके बताएं आपको ये look कैसा लगा. I hope you liked today's video and if you did, please consider hitting the like button. इस video को अपने friends and family के साथ भी share करें. May Lord Krishna shower his blessings on everyone of you. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। उसके साइड में बेल बटन भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ यू गेट नोटिफाइड। आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।